इतिहास पिलामने केमती लागुचे इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग आ बहुत भल लगुव मत लगुच तेणु इतिहास मान हिस्ट्री हिस्ट्री हूँ गोटे स्टोरी आ स्टोरी शुणा को क्या भल न लगे। प्रथम अध्याय आम पढ़ी साहित्यिक उपादान उपादान पड़े उपादान तथ्य जहाँकि ऐतिहासिक को हेल्प साहय कै इतिहास लिखापाई आई साहित्यिक उपादान गोटे अंश हूँ कौन ना जो परिव्राजों दृष्टि इतिहास बाकी कह जाए जे ब्राह्मण कहानी तेणु वैदेशिक बरणी पे मन में प्रश्न उठे ये जो दशम शताब्दी सप्तदश शताब्दी दशम शताब्दी सप्तदश शताब्दी कहीं लिखा जा दशम शताब्दी सप्तदश शताब्दी भितर इतिहास कौन होता ये जो मध्ययुगीय भारत इतिहास आम पढ़ुचे जोटा कि सुल्तानेट अफ दिल्ली आउ मुगल एरा मुगल जुग चली समय मध्ययुगीय भारत समय ये मध्ययुगीय भारत समय जो मैंने परिव्राजक मैंने आसते दशम शताब्दी सप्तदश शताब्दी भितर से कथा लिखाई से भितर यनोटी परिव्राजक विषय आम पढ़ा ये देख पे आलबेरुणी इबन बतुता आउ फ्रांक्विस बनियर तेणु तो आलबेरुणी जिकि एकादश शताब्दी आसी ख्वारिजिम राज्य वर्तमान उज्बेकिस्तान रु उज्बेकिस्तान तुम्हें जान पाकिस्तान अफगानिस्तान से भाई गोटे देश उज्बेकिस्तान तेणु इबन बतुता चतुर्दश शताब्दी आसते आफ्रिका महादेश मोरक्को रु आउ फ्रांक्विस बनियर सप्तदश शताब्दी फ्रांस देश आसते ताले चलो आम विषय पढ़ा तेणु मुही रखे ये तीन जन भितर आमर 2014 मसीह मु देखी कौन सी लॉन्ग क्वेश्चन आसीना 2020 मसीह लास्ट ईयर गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसला जोटा कि इबन बतुता अवदान बर्णना कर भारतीय संस्कृति पर कौन लिखी जा किंतु आलबेरुणी और फ्रांक्विस बनियर उपर प्राय आसबो ना लॉन्ग क्वेश्चन कहीं इबन बतुता उपर बहुत बढ़िया लिखी हेब लॉन्ग क्वेश्चन से आसो आउ दुई मार्के तीन मार्के क्वेश्चन पिलामने एठु आसिबो नियाती तेणु यहाँ मन रख मूलर शेष जाए यही भिडटे देखे देखा आलबेरुणी आलबेरुणी आरबी पारसी हिंदू और सीरियन भाषा विद्वान थे कौन ना आरबी पारसी हिब्रू और सीरियन भाषा विद्वान थे 1170 ख्रीष्टाब्दे जिते गजनी सुल्तान मोहम्मद ख्वारिजिम राज्य दखल कले गजनी सुल्तान तुम्हें जान महमूद गजनी जिकि 17 थर भारत आक्रमण करते 17 थर भारत आक्रमण करते 25 वर्ष मध्य तेणु हजारे रु हजारे 25 बोली कह जाए तेणु जो सुल्तान महमूद ख्वारिजिम राज्य जो दखल कले से समय जो भल भल विद्वान व्यक्ति मैंने अच्छा किंवा हट्टाकट्टा व्यक्ति मैंने अच्छा से पण्यबंदी करती पण्यबंदी माने कौन ना पण्य द्रव्य भाया से बंदी करती पण्य द्रव्य जमी आम पण्य द्रव्य जहाँ व्यवहारिक द्रव्य भाया से माने से बंदी करके व्यवहार पर निजर व्यवहार पर बंदी कर नहीं जाती तेणु ये जो पण्यबंदी करागला क्या ना विद्वान किए ना आलबेरुणी को पण्यबंदी करागला तेणु आलबेरुणी आसीगले कौटिक ना गजनी राज्य को आसीगले आ गजनी राज्य रे बंदी हिसाब से तापर से गजनी राज्य रे से गजनी राज्य गोटे अंश थी कौन ना पंजाब अंचल ये जो पंजाब अंचल भारत पंजाब अंचल तेणु से पंजाब और उत्तर भारत से बुलिले उत्तर भारत आउ पंजाब को बुलिले निजर अनुभूति को सी व्यक्त कले कौ भाषा व्यक्त कले ना आरबी भाषा ये गोटे पिला 2020 मसीह गोटे प्रश्न आसी आलबेरुणी जो लिखी से पुस्तक नाम कौन एवं क्यों भाषा लिखी थे तेणु तो आलबेरुणी आरबी भाषा से जो पुस्तक लिखी थे से पुस्तक नाँ हूँ किताब उल हिंद किताब उल हिंद तेणु किताब उल हिंद ते कौन देखा 80 अध्याय विशिष्ट 80 अध्याय विशिष्ट आउ भारतीय धर्म भारतीय दर्शन पर्वपर्वाणी ज्योतिर्विज्ञान रसायन विज्ञान तापर ओजन माप विज्ञान
आउ सामाजिक जीवन प्रथा परंपरा व्यवहार चित्र विज्ञान मूर्तिकला नियमावली पाणीपाग किसी छाड़ी ना सब लिखि जाइंट आलबेरुणी किताबुल हिंद आउ बहीटी ऐतिहासिक मानू बहुत बहुत हेल्प साहय कै इतिहास रचना करने तेणु यहाँ गोटे देखा आलबेरुणी लेखा किताबुल हिंद आनोटी से लिखिं कौन 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 लिखिं तीनोटी प्रबंधक बा तीनोटी प्रतिबंधक तीनोटी प्रतिबंधक होता तेणु भारतीय समाज को बुझापी तीनोटी प्रतिबंधक तीनोटी प्रतिबंधक कौन थिला से लिखिंट भारतीय समाज को बुझापी प्रथम प्रतिबंधक हूँ भाषा तेणु विभिन्न प्रकार भाषा रे भारत रे लोक मैंने कथा तेणुता भाषा बुझा बड़ कष्टर था तेणु भाषा बुझा बड़ कष्टर था द्वितीय धर्म विश्वास जो भिन्न भिन्न धर्म विश्वास थिला से धर्म विश्वास बहुत काठिकर पाठ थिला बुझा आउ कौन ना तांकर जो परंपरा रे तांकर जो आंचलिक मनोभाव लोक मान जो आंचलिक मनोभाव कि भलिया मनोभाव अच्छी से माने व्यक्त करूचंती ना नहीं तांकर सहित मिसिबा मध्य कष्टकर थिला तेणु ये तीनोटी प्रतिबंधक विषय रे से आलोचना करचंती एटा भी तीन मार्किया क्वेश्चन कि दुईटा दी मार्किया क्वेश्चन आसी पारे पिला माने तेणु ब्राह्मण मान सहित मिसिले से ब्राह्मण मानक मिसले एवं ब्राह्मण मानक साहय से संस्कृत भाषा अध्ययन कले संस्कृत भाषा अध्ययन करी विभिन्न प्रकार बही से पढ़िले वेद अध्ययन कले विभिन्न प्रकार बही पढ़िले बही अध्ययन कला लोक मान सहित मिसले मिसिकी से कौन कले यो वर्णना कले तेणु आलबेरुणी वर्णन भारत जाति व्यवस्था देखा तेणु जाति व्यवस्था को सी बहुत क्रिटिसाइज कर भारत रे जो जाति व्यवस्था थिला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रे शूद्र माने बहुत कष्टकर जीवन जापन करुथिले एवं शूद्र माने देखिबा चिरंतन अस्पृश्यता भितर थिले ए शूद्र माने बा अनटचेबल्स कह जाउतला बा शूद्र मानकु अछुआ बा छु नथिले केई एवं से माने समाज रे रहु नथिले से माने जंगल रे तांको वास करिया को पडुतला शूद्र जन्म होई से मृत्यु पर्यंत कलुषित बोली तांको व्याख्या करा जाउतला ए गोटे जाति भाव रे तेणु यारु मुक्त हो पार ना बोली गोटे समाज रे थिला से समाज रे तेणु से बहुत क्रिटिसाइज कले से कले एटा प्रकृतिर विरोध एटा प्रकृतिर नियमर विरोध प्रकृतिर नियम तो मनुष्य जाति को तैयारी करछी प्रकृतिर नियम एवं प्रकृति तो मनुष्य जाति को तैयारी करछी भगवान तो मनुष्य जाति को तैयारी करछंती से मनुष्य जाति भितर ये पुणी कौन अस्पृश्यता ये पुणी कौन मुक्ति हो पारे अस्पृश्यतारु ए कलुषितरु ए कौन सी शुद्धता जदि हुए सी जदि भल काम करे सी जदि कहीं अस्पृश्यतार मुक्त हो पारे कहीं कलुषित मुक्त हो पारे से चेष्टा करी से शुद्ध कलुष मुक्त हो पार तेणु से बहुत विरोध करते यू आरदिन कलुषित हो रहा यही चिंताधारा गोटे प्रकृतिर नियमर विरोध बोली कही तेणु यहाँ गोटे कड़ा भाव से विरोध करेणु यही भाव में तुम बुक्रे इम्पोर्टाट जिनस व्याख्या कर बेसि कथा आम आलोचना करवानी आलबेरुणी विषय आम जा इवन बतुता जो भी इवन बतुता बहुत किसी आलोचना करवन बतुता आसते चतुर्दश शताब्दी पे देख चतुर्दश शताब्दी रे सही समय रे कौन चलता ना सही समय रे जो तुगलक वंशर राजा जो तुगलक वंशर राजा मोहम्मद बिन तुगलक जहाँ को आड़बाया सुल्तान बोली कहा जाए जहाँ को पागल राजा बोली कहा जाए जी कि दिल्ली रु दौलताबाद को तांकर राजधानी परिवर्तन पाई स्वप्न देखिथिले परिवर्तन चाहिथिले अधाधी लोक जो मृत्युवरण करथिले जो मोहम्मद बिन तुगलक समय से भारत को आसते से इबन बतुता आफ्रिका महादेशर मोरक्को ये गोटे बड़ प्रश्न आफ्रिका महादेशर मोरक्को रु आसी से स्थलपथरे आसी एशिया तेरश तेतीस ख्रीष्टाब्दे सिंधु प्रदेश में आसिक पहुँचे नहीं कि आउ से शुणिले कौन शुणिले ना ये मोहम्मद बिन तुगलक जड़े कला आउ साहित्य को बहुत भल पाँच कला साहित्य को पृष्ठपोषक करदियों सी जड़े आड़बाया सुल्तान कि कला आउ साहित्य को बहुत पृष्ठपोषकता करेणु गोटे साहित्यर मनीष थे किए इवन बतुता तेणु से जड़े ऐतिहासिक जड़े साहित्यिक तेणु से
ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ମହମୁଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ୍‌ଙ୍କର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲେ। କହିଲେ ଦେଖିବା ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା, ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ଦେଖିବା। ଇବନ୍ ବତୁତା ଆସିଲେ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ୍‌ଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଇବନ୍ ବତୁତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କାଜୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଜୀ ବା ବିଚାରକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ତେଣୁ ବିଚାରକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ, ଆଇନର ବିଚାରକ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। 1342 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟିଏ ଦୂତ ଭାବରେ, ସେ ସୁଲତାନଙ୍କ ଦୂତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଗଲା। କେଉଁଠିକି ନା ଚୀନ ଦେଶକୁ ପଠାଗଲା। ଚୀନ ଦେଶରେ ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କ ଦରବାରକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଲିଲେ, ଭାରତ ବୁଲିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ବୁଲି ସେ ସଂସ୍କୃତି, ବିଶ୍ୱାସ, ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଜନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ 10ଟି ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଠି ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ତୁମର ବହିରୁ 10ଟି ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। ଇବନ୍ ବତୁତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ କେଉଁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ବହି ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ, ଯେମିତିକି ଆଲବିରୁଣୀଙ୍କ କିତାବୁଲ ହିନ୍ଦ, ସେମିତି ଇବନ୍ ବତୁତାଙ୍କର ରିହଲା, ସେ ଇବନ୍ ବତୁତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଲା ରିହଲା। ଆଉ ଇବନ୍ ବତୁତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ରିହଲାକୁ କିଏ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସେ ତ କହିଥିଲେ, କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଇବନ୍ ଜୁଜାଇ। ସେ ଇବନ୍ ଜୁଜାଇ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଲେଖକ ଥିଲେ। ସିଏ ୟାଙ୍କର କହିବାର ବିବରଣୀକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇବନ୍ ଜୁଜାଇ। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ସେ ଦେଖିଲେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ଗଛ ତ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ତ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଫଳ ଫଳୁଛି, ନା ନଡ଼ିଆ ଫଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଦେଶର ସେଠି ତାଳ ଗଛ ବେଶୀ ହୁଏ, ତେଣୁ ତାଳ ଗଛ ସହିତ ସେ କମ୍ପେୟାର କରିକି ସେ କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖ ନା, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ହେଉଛି ତାଳ ଗଛ ପରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା, ନଡ଼ିଆ ଗଛର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା, କଠିନ ଆବରଣଯୁକ୍ତ, ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଗଛର କଠିନ ଆବରଣଯୁକ୍ତ। ଆଉ ସେ କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି କାହା ସହିତ, ନା ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ। ତେଣୁ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବହୁତ, ସେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ପରି ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଦୁଇ ଆଖି ଥିବା ଗୋଟିଏ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଚା ଥାଏ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା, ସେଥିରେ ଜୁସ୍ ବାହାରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଚା ଥାଏ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ବାହାରେ, ସେ ପଦାର୍ଥ ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବାହାରେ, ଆଉ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଖୋଳପା ଉପରେ ତନ୍ତୁମୟ। ତେଣୁ ଖୋଳପା ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ ତନ୍ତୁ, ସେ ତନ୍ତୁମୟ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବାଳଗୁଚ୍ଛ, ସେ ତନ୍ତୁକୁ କ'ଣ ତିଆରି କରାଯାଏ ନା, ଶକ୍ତ ଦଉଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଏ କହୁଛି। ସେ ଶକ୍ତ ଦଉଡ଼ି ସେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା, ନୌକା ଆଉ ଜାହାଜରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେ ନୌକା ଜାହାଜ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପାଇଁ, ବେପାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୌକା ଜାହାଜରେ ବାନ୍ଧାଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ସହିତ ମାନେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଗଛ ତ ସେଇଟା ପାନ ଗଛ। ଆରେ ପାନରେ କ'ଣ ଫଳ ତ ନାହିଁ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପାନରେ ସେ ପାନ ପତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପାନ ଚାଷ କରାଯାଏ, ସେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପାନ ପତ୍ର ବି ଚାଷ କରାଯାଉଛି ଏଠି। ତେଣୁ ପାନ ପତ୍ର ଗଛ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅଙ୍ଗୁରଲତାକୁ ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଅଙ୍ଗୁରଲତା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୁର ଫଳେ, ତ ଅଙ୍ଗୁରଲତାରେ ଅଙ୍ଗୁର ଫଳେ, କିନ୍ତୁ ପାନଲତାରେ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଚାଷ କରାଯାଏ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା, ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାନକୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ପାନକୁ କେମିତି ନା, ଗୁଆକୁ କାଟି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ପାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି ଗୁଡ଼େଇକିରି ତାକୁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି କେତେ ମାନେ ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ। ଆଉ କ'ଣ ନା, ଚୂନ ଲଗେଇକିରି ସେ ପାନରେ ଚୂନ ଲଗେଇକିରି କଟା ଗୁଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଲୋକ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ନା, ସହରମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ସହରମାନଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସହରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସହର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସହର, ଆଉ ଗୋଟେ ସହର କ'ଣ ନା, ଦୌଲତାବାଦ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ତଥା ସର୍ବବୃହତ ସହର ବୋଲି, ଜନଗହଳି ସହର ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଆଉ ଦୌଲତାବାଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ସମକକ୍ଷ ବୋଲି ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାରିଗରୀ ମାନେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆସିବାର ଅଛି, ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି କେଉଁଠି, ସହରମାନଙ୍କରେ। ସେ ମାନେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ବଜାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଜାର କ'ଣ ନା, କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଦାନ
आदान प्रदान बजार नथिला से कहते अर्थनैतिक आदान सहित अर्थनैतिक मान कौन किणा बिकार आदान सहित सीटी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता देखिए से मंदिर मस्जिद सांस्कृतिक कार्यक्रम कौन कौन ना नाच गीत संगीत परेषण होता बजार में तेनाली बजार केवल अर्थनैतिक नुह यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता पे गोटे पर गोटे पॉइंट मुझे से पॉइंट को गोटे पर गोटे एक्सप्लेन कर लॉन्ग क्वेश्चन लिख बहुत इंटरेस्टिंग तेणु चाष जमी उपर वर्णना करते चाष जमी उपर ना चाष जमी बहुत उर्वर थी से वर्णना करते चाषी मैंने वर्षक दुई थर फसल अमल करुले तो दुई थर जो अमल करुले चाषी मैंने बहुत प्रोडक्शन बहुत बढ़िया करुले कृषि को बहुत उत्पादनक्षम था कृषि आउ बहुत प्रशंसा करषि को किए ना आमर इबन बतुता तेणु आम देखा वाणिज्य व्यवसाय से वाणिज्य व्यवसाय उपचार वाणिज्य व्यवसाय बहुत सुंदर थिला स्थलपथ बहुत सुगम थिला स्थलपथ रे बणिक माने से माने कौन ना यही पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व दक्षिण एशिया दक्षिण पूर्व एशिया को जाऊथले पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जाऊथले एवं से माने सामग्री विभिन्न प्रकार सामग्री से माने वाणिज्य करुथले ए सामग्री कौन कौन थिला देखिबा से सूता वस्त्र रेशम वस्त्र सूक्ष्म कार्पास वस्त्र आउ सुना रूपा करी सुना रूपा और जरी र बुणा लुगा माने सुना रूपा जरी र बुणा लुगा मध्य बेपारी माने से माने वाणिज्य कारबार करुथले तेणु जो वाणिज्य कारबार करिकरी बहुत धन सम्पत्ति आमर बणिक माने से माने पाउथले बोली से लिखिछंती तापर देखिबा गमनागमन व्यवस्था तेणु गमनागमन व्यवस्था से कहते जातायात व्यवस्था मध्य बहुत अनन्य थिला न अन्य होची अनन्य माने अन्य केउटे देखिबाकु मिलेनी बोली से कहते तेणु जातायात सुविधा बहुत भल थिला बोली कहते से कहते सिंधु प्रदेश दिल्ली को पहुँचापी जन को तीस दिन लगुला किंतु डाक व्यवस्था उपर से लिखिं देख डाक व्यवस्था बहुत उच्चकोटीर थी भारत सुल्तान को पांच दिन भितर चिठी मिल जाऊला भाव के सुंदर लिखिं पांच दिन भितर चिठी मिल जाऊला आ डाक व्यवस्था दुईट व्यवस्था पे ये मन रखिए तीन मार्क क्वेश्चन आसपे दुईट व्यवस्था बेपारी मानी आ डाक दुईट व्यवस्था थिला उलुग व्यवस्था और दावा व्यवस्था तो उलुग व्यवस्था कौन दावा व्यवस्था कौन ना उलुग व्यवस्था घोड़ा पिठी में चढ़ीकरी डाक लोक मैंने दौले डाक प्रेरित होता आउ दावा व्यवस्था डाक बाहक मनीष दौड़ी दौड़ी से डाक नहीं कि जाऊला तेणु डावा व्यवस्था आम यही भाव में मन रखिपर उल्लुक व्यवस्था मान कौन ना उल्लुक उल्लु माने घोड़ाटा केमती दौड़े उल्लुक 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 करके दौड़े ये उल्लुक आम मन रखिपर डावा व्यवस्था आम मन रखिपर कि दौड़ी दौड़ी माने दौड़ी दौड़ी के दावा दावा दौड़ी दौड़ी कर द फर दौड़ी दौड़ी आवा से दौड़ी दौड़ी कर कौन ना डाक व्यवस्था को पहुँचाते प्रति चारि महल रे प्रति चार माइल रे घोटी घोड़ा परिवहन करुले कहुए केवल राजा सूचना व चिठीपत्र नुहे एवं लोक मान टा पैसार नेण देण होता देखा बेपारी कौन आलोचना करेपारी सुविधा तो बेपारी सुविधा कौन ना सुरक्षापाई सुरक्षापाई बेपारी सुरक्षापाई बेपारी मैंने गोटे स्थान रू अन्य स्थान को जी कौन ना वाणिज्य कारबार जीवे तांकर किणा बिका जीवे तो सुरक्षापाई रास्तार स्थाने स्थाने धर्मशाला सब या धर्मशाला कौन ना आश्रय नौले बेपारी मैंने आश्रय नौले राति आश्रय नौले राति से रोते सी अतिथि आश्रय स्थल सब थिला केते सुंदर थिला आउ कौन दास दासी प्रथा दास दासी मैंने घरे घरे थिले जो मैंने कि साहय करुले लोक मान से दास दासी प्रथा उपरे आलोचना कर दासी मैने साधारणतः संगीत नृत्य परेषण करुले दासी मैने विशेषकर दास मैने जो मैंने पुरुष मैंने दास मैने पालिंकी दोला जोटा अच्छी पालिंकी बोहवा काम से मैंने हेल्प करुले साहय करुले तेणु ये जो दस टी पॉइंट मुझे डिस्क्राइब कली दस टी पॉइंट को लेकिन तुम लॉन्ग क्वेश्चन लिख पाने तेणु आम देखा नेक्स्ट फ्रांक्विस बर्नियर तेणु फ्रांक्विस बर्नियर उपर गोटे क्वेश्चन 2020 मसीह आसी जाइए तेनाली फ्रांक्विस बर्नियर
उपरे आमे देखिबा से आसीथिले कोउटो ना फ्रांस देशर से थिले फ्रांस देशर नागरिक किंतु गोटे विख्यात लोक थिले कौन ना जने डाक्टर थिले ऐतिहासिक थिले जने दार्शनिक मध्य थिले आउ 1656 ख्रीष्टाब्दरे सेही समयरे कौन थिला ना 1656 ख्रीष्टाब्दरे सेही समयरे जो मुगल साम्राज्य थिला से समयरे पदार्पण करथिले से समयरे मुगल राजकुमार मुगल राजकुमार किए थे दारा सुखो तुम्हें जाच ये जो माने शाहजहान थे शाहजहान पुत्र थिले जे जो दारा सुजा मुराद औरंगजेब तेणु तो यही दारा बड़ भाई थे दारा सुखकर से बहुत माने ये पड़ुले कौन रोग से पड़ुले तेणु तो रोगर चिकित्सा करने से डाक्टर क्या नियोजित होते बर्नियर फ्रांकुएस बर्नियर को नियोजित कर राजा सम्राट नियोजित करते तो बर्नियर भ्रमण वृत्तांत 1670 मसीह लिखाई भ्रमण वृत्तांत फ्रांस रे प्रकाशित होता आ भारत समाज और शासन व्यवस्था उपर से लिखी थे जो वर्णना क्योंटि देखा मिले से जो माने किताब बा बही बा पुस्तक कौन ना हूँ कौन ट्रावेल्स इन मुगल एम्पायर से ट्रावेल्स माने कौन भ्रमण ट्रावेल्स इन मुगल एम्पायर मुगल साम्राज्य एम्पायर माने साम्राज्य मुगल साम्राज्य रे भ्रमण पुस्तकटी लिखी थे एवं भारत प्रगति को से बहुत निरुत्साह सब नेगेटिव कथा से लिखिक जाइंट नेगेटिव कथा लिखिक जाइंट भारत प्रगति को पूरा निरुत्साहित लिखिंट यूरोप प्रगति सहित अतुलनीय मान तुलना करहबनी बहुत निरुत्साहित बहुत मैंने कदर्ज्य बोली से कही देख गोटे पर गोटे देखिए त्रुटिपूर्ण जमी व्यवस्था ये जो जमी व्यवस्था उपर से आलोचना कर भारत जमीर मालिक अटंती मुगल सम्राट ये जमी मालिक चाषी नुह ये कौन जमी मालिक हो मुगल सम्राट आ मुगल सम्राट सम्रांत मान जमी बांटी ये सम्रांत मान मैंने जमीदार मान प्रतिपत्तिशाली रिच क्लास जो धनिक श्रेणी जमीदार श्रेणीर लोक मान से जमी बांटी आ चाषी किसी पाऊनी बोली से लिखुले चाषी कौन सी जमीर मालिकाना पाऊनी तो चाषी शोषण शिकार हो लिखुंट आ चाषी जमीन से उत्साह सृष्टि करूना उन्नति साधन चाषी चाषर उन्नति साधन करूना कहीं चाषी मालिकाना ना चाषी जमीर मालिक नुहे चाषी तार जमी को ता पुत्र को दे पारना तेणु यही भाव में चाषी बहुत निरुत्साहित हो जमीर उन्नति करना से लिखुंट आउ कौन लिखुं साम्राज्य रे राजा ये जो साम्राज्य राजा उपर बहुत कुशा रटना कर राजा को बहुत गाली देते कौन राजा मुगल साम्राज्य राजा हूँ भिकारी मानकर बर्बर मानक राजा भिकारी मान बर्बर मान अत्याचारी तेणु तो अत्याचारी भिकारी मानक राजा हूँ मुगल सम्राट बोली कहते नगर मान ये जो मुगल मुगल साम्राज्य नगर मान ध्वंस प्राय बोली कहते एवं पवन दोगित आ जमीरे बुदा बुदा माड़ी जाइए बनभूमि पलटि जा बण पलटि जा मारात्मक जमी आ सतसंतिया कहीं ना जमीर कौन सी उन्नति हो साम्राज्य उन्नति होना एकमात्र कारण बोली कहते साम्राज्य जो पतन एकमात्र कारण हूँ कौन सम्राट राज्यर जमी उपरे एक चटिया मालिकाना ये सम्राट जो राज्यर जमी उपरे एक चटिया मालिकाना चाषी मान को मालिकाना नदबा सेटा ही एकमात्र कारण ये साम्राज्यर पतन पर कहते पाने देखिए आउ कौन वर्णना करणिज्य कारबार वर्णना करणिज्य कारबार को टी टेक भारतर समृद्ध वणिक गोष्ठी दूरदेश को वाणिज्य कारबार करुले से कहते भारतीय सामग्री बदल से माने सुना रूप आणुले कहते मुगल साम्राज्य कारखाना उपर बढ़िया मना कर जो कारखाना बा इंडस्ट्री कारीगर मैंने मुगल कारखाना रे नियोजित थे तेणु कौन कौन कारीगर ना नहीं स्वर्णकार रंगशिल्पी दर्जी मोची लेजर जंत्र चलेबा कारीगर काठ कारीगर पशम कारपास जरी काम करुवा कारीगर यही संपर्क में से आलोचना करोटे प्रश्न आसला ये जो मुझे कौन प्रश्न आसला सती प्रथार विशद आलोचना प्रश्न आसला जे 2020 मसीह जे सती प्रथार विशद आलोचना क्यों परिव्राजक करो परिव्राजक कर फ्रांकुएस बर्नियर ये केतेक महिला
से कहते जे सती प्रथा ये जो सती प्रथा कौन ना स्वामी मृत्यु परे सती हवापाई माने योग्य महिला माने सती हेबे सती हेबे पवित्र हेबे केमिति सती हेबे ना से माने से जो नियारे से जो जुईरे से जो जळई दउथबे काकु माने मृत्यु परे स्वामी को से स्वामी जुईरे से झास दब तेणु एटा गोटे बहुत अकथनीय कथा यही अकथनीय जो व्यवस्थाटा थिला समाज रे तेणु से कौन जे महिला केतक महिला आनंद रे निज स्वामी चिता भस्म झास दिखती आनंद रे माने आनंद रे माने गोटे मुंड रे गोटे पुरे दिखाई जे तुम पवित्र हव तुम सत्य हव तेणु तुम ये तेणु आनंद रे से माने चिता भस्म को जंप कर माने डेंगरी भितर मैंने झास दौंट आउ कि पहला महिला बाध्यबाधक झास दौरान मैंने बाध्यबाधकत से चाहू ना से मृत्यु को डर अच्छी से नहींक्री पक दि जाने से माने बाध्य होइकरी से माने झास दौंट महिला मानकर भूमिका उपरे से कहते महिला मानकर भूमिका ठीक बेस थिला कृषि रे मध्य अणकृषि रे मध्य कृषि उत्पादन रे अणकृषि उत्पादन रे महिला मैंने महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करते व्यवसाय कारबार रे अंश ग्रहण करते व्यवसायी कारबार रे मध्य अंश ग्रहण करते आउ कौन ना घर चारिकांत से मध्य सीमाबद्ध नथिले चारिकांत मध्य सीमाबद्ध नथिले से माने चारिकांत मध्य सीमाबद्ध नहि से माने व्यापार रे मध्य से हेल्प करते साहय करते कृषि अणकृषि कार्य साहय करते एटी होची ए जो तीनोटी परिव्राजों को उपरे आलोचना तेणु गुड़ाए वीडियो से निहाति तुम सब्सक्राइब करनी यूट्यूब को सब्सक्राइब करने कौन हम ऑटोमेटिकली तुम पाक वीडियो जीव मुंत पहुँचलि बहीटी सारीदेवी गोटे पर गोटे चैप्टर पढ़े तेणु ये रोची बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच।